ये 1000 रुपये का टोकरी है। 1000 रुपये की टोकरी है? जी जी 1000 रुपये का। और कितने होते हैं टोकरी में? जी एक टोकरी में कितने होते हैं? 1 किलो में 8 किलो है, 8-9 किलो अंगूर होते हैं इसमें। 8-9 किलो। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी होलसेल फ्रूट मार्केट सुपर हाईवे पे वाके फ्रूट मंडी में। और यहाँ पर इस वक्त जो फ्रूट्स हैं वो किस हिसाब से हैं, क्या रेट्स हैं उनके, और कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो यहाँ दस्तियाब हैं इस वक्त, तो वो हम आपको दिखाते हैं। मज़ीद आप हमारी वीडियो देखिए। हमारे पास सेब है, अनार है, और अमलोक होता है जापानी फल, केला। सेब के क्या रेट है? ये सेब 1000 रुपये का, इसमें तकरीबन 15-16 kg होता है। इसमें दूसरा ये लाल वाला, ये होता है 1300 रुपये का, इसमें भी 17-18 1 kg होता है। ये फिर लाल होता है, उसको काला कुल्लू बोलते हैं। कश्मीरी से अभी सही कहा नहीं, कश्मीरी अभी वो ख़त्म हो गया, वो शुरू में आता है। और अनार है ये 1600 रुपये की पेटी है, इसमें 15 kg तक होता है। जी पर किलो कितने का पड़ेगा अनार? अनार पर किलो समझो ये 100 रुपये तक पड़ जाता है। और केला क्या हिसाब है? केला ये 700 रुपये पेटी है, जो ये दर्जा है 2 में। इसकी जो अव्वल होती है वो 1200-1500 रुपये की पेटी मिलती है। पेटी में अंदाजन कितने होते हैं? छोटी पेटी में होता है 30 दर्जन, और बड़ी पेटी में होता है 45 दर्जन, 50 दर्जन। ये जो पेटियाँ ये 45 दर्जन वाली है? नहीं नहीं, ये छोटी पेटी है, इसमें 30 दर्जन या 28 दर्जन ऐसी तक दिखेगा। और इस वक्त सीज़न के फल कौन से हैं? सीज़न अभी सेब है, अमलोक है, अनार है, और जापानी फल ये आ रहा है। यही मार्केट में आपको मिलेगा? हाँ यही मिलेगा अभी। अच्छा अमलोक के क्या रेट है? अमलोक कितने का है? अमलोक के 450 तक भी है, 400 तक भी है, ये लगे हुए हैं, ये 450 रुपये के। हमारा पास ये ईरान का अंगूर है, ईरान का आ रहा है, गोला भी आ रहा है, दम अंगूर भी आ रहे हैं। ये क्या हिसाब है ईरान का अंगूर? ये 1000 रुपये का टोकरी है। 1000 रुपये की टोकरी? जी जी 1000 रुपये का। और कितने होते हैं टोकरी में? जी एक टोकरी में कितने होते हैं? 1 किलो में 8 किलो है, 8-9 किलो अंगूर होते हैं इसमें। 8-9 किलो जी। और ये कौन सा वाला है? ये भी ईरान का, ईरान के ये गोला अंगूर है। गोला अंगूर? जी गोला अंगूर है। जी ये 1500 रुपये का जी, 1500 का ये। अच्छा जायके में अच्छा कौन सा होता है, ये वाला होता है या दूसरा होता है? दोनों होते हैं, ईरानी अंगूर अलग जायके वाला होता है। ये भी 1000 रुपये वाली बेटी है? जी जी 1000 रुपये। और क्या क्या चीज़ है आपके पास? हमारा पास अनार है। अनार क्या हिसाब है? जी अनार ये 1300 का। 1300 रुपये का? जी जी। कितना होता है इसके? ये 15 किलो। 15 किलो जी जी। और क्या क्या? सेब, ये सेब है, गोल्डन सेब है हमारा पास। गोल्डन सेब क्या हिसाब है? ये 1200 रुपये का। 1200? जी जी 1200 रुपये का। सही, बाकी सब वही है? जी यही है। सही सही। तो अभी क्या इसकी कीमत कुछ सेब की कम हुई है? बस अभी आजकल ये कीमत चल रही है 1200 रुपये। और कितने होते हैं इसके अंदर एक पेटी में? इसमें 17 किलो होते हैं सेब। ये 1000 रुपये का पेटी है, हरे वाले की 1000 रुपये की पेटी है। 900 रुपये 1000 रुपये का। ये सेब है कौन सा? ये गोल्डन सेब है। है कहाँ का है ये? पाकिस्तान के बाहर? जी जी पाकिस्तान के कलात के सेब है। कलात का? जी। अच्छा इस वक्त जो सेब है वो काफ़ी दिख रहा है मार्केट के अंदर, उसकी वजह क्या है? जी सेब बहुत आए इस दफ़ा। जी इसकी फसल ज़्यादा काश हुई है? फसल ज़्यादा ही है, गाजा हो गया, गोल्डन हो गया, इस दफ़ा फसल बहुत ज़्यादा सेब, सेब का फसल बहुत है। बस ये आइटम हमारा पास मौजूद है। सर्दियाँ जब खत्म होगी उसके बाद नया फल कौन सा आने है इस सीजन के बाद? अभी इसके बाद कुल्लू शुरू हो जाता है, फिर अनार, इसके बाद कुल्लू शुरू हो जाता है। यहाँ कुल्लू कौन सा? कुल्लू बेर आता है, गोल्डन ना ये वगैरह आता है। यहाँ चीकू का क्या रेट है? ये 130 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, 2-3 किस्म की क्वालिटी है। ये किलो है 130? हाँ किलो के हिसाब से होता है। पूरी पेटी कितने की है? ये पेटी का वेट के हिसाब से होता है, कोई 10 किलो होती है, कोई 15 किलो। अभी हम छोटी पेटी लगा रहे हैं, थोड़ा महंगा है ना, तो जब थोड़ा सस्ता हो जाएगा ना, जब 50-60 रुपये किलो हो जाता है, फिर बड़ी पेटी हम लगाते हैं 20-20 किलो वाली। हम लोग क्या हिसाब है? हम लोग भी जो है वो 400 से लेकर 500 रुपये तक है। ये वाला जो चकोर गार्डन होते हैं, जो दूसरा है वो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक। कितने किलो होते हैं इसमें? इसमें तो 6.5 किलो है, उसमें जो है जो कम भाव वाला उसमें 5 किलो होता है। इसमें वजन ज़्यादा। चीकू के जो रेट बढ़े हैं उसकी वजह क्या है? चीकू अभी स्टार्ट में है ना, अभी है नहीं, माल नहीं है।
अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे माल बढ़ता जाएगा इसका भाव कम होता जाएगा। अच्छा चीकू पाकिस्तान में लगता कहाँ का सबसे अच्छा कहाँ का होता है? ये भिंदर शहर का सबसे अच्छा था, बलोचिस्तान में सबसे मीठा जो भिंदर का, वैसे हब में भी है, साकरण में भी है, हाँ बलोचिस्तान का ही है, सिंध में भी है, हैदराबाद में भी है, ये ज़्यादा जो है ना बलोचिस्तान में। और इसका सीजन कब शुरू होता है? सीज़न अभी शुरू है, ये 10वें महीने में शुरू होता है, 8वें में ख़त्म होता है, 10 महीने का सीज़न है, 2 महीने फिर ये नहीं आता। अभी आपके पास जो है वो कहाँ का है? ये भिंदर का। भिंदर का, हाँ भिंदर में भी है, साकरण में भी है। अभी भिंदर स्टार्ट हुआ है ना, अभी महंगा है थोड़ा, थोड़े भाव कम हो जाएंगे, फिर ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा भाव कम होता जाएगा, 1-2 महीने उसके थोड़े महंगा रहता है, फिर सस्ता हो जाएगा बाद में। थोड़ा देगा पपीता कैसा है? 1400 रुपये का 10 किलो पपीता। अच्छा पपीते का सीजन कब होता है, किस वक्त मीठा होता है? और अभी तक 2 महीने के बाद जनवरी में जाके होता है। अभी सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन है। और अभी क्या रेट है और सीजन में क्या रेट हो जाता है? सीजन में तो कम होता है, अभी थोड़ा महंगा चल रहा है।